दोस्तों आपको लिए गुड न्यूज है। अगर आप यूपीआई पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर पेमेंट करते हैं तो आप इंडिया के बाहर भी यूपीआई का पेमेंट का इस्तेमाल अब कर सकते हैं। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। ये एक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में बढ़ावा देने के लिए यूपीआई का पेमेंट मेथड लाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। अभी तक इसके 1 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं 3 साल के अंदर ही। तो बहुत ही सक्सेसफुल पेमेंट मेथड अभी तक का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी यही है, क्योंकि यूपीआई से आज सब जान रहे हैं कि आप गूगल पे, फोन पे और भी जितने भी एप्लीकेशन है सारे अटैच है। जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कम करते हैं लोग, यूपीआई पेमेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये सबसे सिक्योर और इजी पेमेंट मेथड है। तो अब इससे पेमेंट आप इंडिया के बाहर भी कर पाएंगे, अब ग्लोबली भी काम करने लगा। यूपीआई को बनाया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो रुपए कार्ड ही बनाती है और आपका यूपीआई पेमेंट मेथड उन्हीं ने डिज़ाइन किया। तो आप जानते हैं रुपए भी अब ग्लोबल हो चुका है, बहुत सारे रुपए ने आप इंडिया के बाहर भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। पहले सिर्फ मास्टर और वीज़ा यूज़ करते थे, तो अब रुपए का जो डेबिट कार्ड भी आ चुका है, क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है। इंडिया के बाहर भी आप बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, सऊदी अरब, UAE, बहरैन में आप इसे गल्फ कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रुपए कार्ड का। और बाकी कंट्री में इन्होंने टाइप करके रखा है डायरेक्टली वहाँ के जो भी पेमेंट नेटवर्क है, जैसे अमेरिका में डिस्कवर नेटवर्क है उनके साथ उनका टाइप है, चाइना में यूनाइटेड यूनियन पेमेंट है तो उनके साथ टाइप है, तो वहाँ यूपी कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। जापान में अभी JCB से रिलेटेड टाइप किया गया था, JCB अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो JCB की पेमेंट नेटवर्क कंपनी है उनसे टाइप कर रुपये ने कार्ड लॉन्च किया था। तो UPI भी अब ग्लोबली हो चुका है, इसका यूज़ अब सिंगापुर और UAE में भी कर सकते हैं। UPI पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर इंडिया में पैसे आपको भेजने हैं तो इजीली आप वहाँ सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, UPI ID डालेंगे या फिर QR कोड आपके पास है तो वहाँ से दोनों तीनों पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों UPI पेमेंट एक बढ़िया पेमेंट मेथड है, जो कि बहुत ही साधारण इजी पेमेंट मेथड है लोगों के लिए जो रूरल एरियाज में भी रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं। तो ट्रांसफ़र पैसा करना आसान है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब हो जाएगा तो और भी आसान हो जाएगा। बाहर से पैसे भेजने में जानते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, फिर IFSC कोड वगैरह होता है, स्विफ्ट कोड होता है, वो सब डालना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो सब करने की प्रोसेस ज़रूरत नहीं। UPI अगर पेमेंट मेथड पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी हो जाता तो अब इजीली आप सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर QR कोड या फिर UPI डालकर ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों UPI पेमेंट मेथड जो है सबसे सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड है, इसे ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनी ने भी एक्वायर कर रखा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गूगल, फेसबुक, Xiaomi, जैसे गूगल का गूगल पे है आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी UPI पेमेंट मेथड पर काम करता है। आपका MI पे है उसका भी UPI मेथड से ही काम करता है। उसके बाद आपका फेसबुक जो व्हाट्सअप पे लाने वाला भी लाया नहीं, बीटा टेस्टिंग चल रहा है, तो वो भी अब UPI पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना एक्वायर करके रखा है, ग्लोबली यूज़ हो रहा है। तो अभी फिलहाल गूगल पे, फोन पे वगैरह सिर्फ इंडिया में भी, तो अभी बहरैन, अभी जो है सिंगापुर और UAE में लॉन्च होगा तो वहाँ भी आप ये सब एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकेंगे और फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और ये अगर पूरे वर्ल्ड में हो जाता है तो बहुत इंडिया के लिए प्राइड मोमेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा भी इंडिया को होगा, क्योंकि इतना भी ट्रांजेक्शन आप इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से UPI पेमेंट मेथड से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। मेरे चैनल पर और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।